अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं आज की कहानी नाजरीन इस वक्त मेरे साथ जो ख़ातून मौजूद हैं इनकी कहानी जो है वो सुनकर आप भी काफ़ी दिल बर्दाश्त होंगे आइए सुनते हैं इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं जी आप जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिस बताइएगा आपने मोहब्बत की शादी की थी और अपने पेरेंट्स से छुपकर काफ़ी ये बड़ा इकतदाम आपने उठाया तो उसके क्या रिजल्ट निकले क्या वो फ़ैसला आपका अच्छा था या बुरा था उस फैसले के तहत आपकी कैसी ज़िंदगी चल रही है अब ये भाई बहुत बुरा फैसला मैंने लगता है मैंने लिया है तो आके मैंने अपनी मर्जी से शादी की कोर्ट मैरिज की हमने कोर्ट मैरिज करने के बाद वो लाहौर ले आया लाहौर में हम मुझे लोगों की मुलाजमा बना दिया कोठी में काम करती थी कुकिंग करती थी तो कभी कभी किधर से बेजती होती थी कभी किधर से बेजती होती थी कभी कोई अच्छे निकलते थे कभी नहीं निकलते थे तो बस ऐसे ज़िंदगी गुजरती गई और मैं इस सहारे पे जीती रही कि कोई बात नहीं जब भी मुझे डांट पड़ती थी जब मुझे मुश्किल आती थी जिए तो मैं ये सोच के चुप कर जाती थी कि कोई बात नहीं है सर सारी ज़िंदगी काम थोड़ी करना है मैंने तो कोई बात नहीं है एक दिन काम छोड़ ही जाना जब मेरा मियाँ कमाने लग जाएगा तो जब वो कमाने लग गया उस वक्त उसने मुझे छोड़ के किसी और को अपना लिया किसी और शादी के, के कितने अरसे बाद वो कमाना शुरू हुआ हमारी शादी के स्टार्टिंग में मैंने उसको जब हम लाहौर आए थे साथ ही कमाने ला गया था लेकिन उसकी कमाई पे मुझे कोई हक नहीं था वो सारे घर वालों को देता था तो मुझे फिर भी कोई एतराज़ नहीं था मैं उसके साथ खुश थी मतलब कि वो सारी कमाई घर वालों के देता था और आपकी कमाई से आपका घर चलता था जी हमारा जो हमारे पास होता था वो उसी से हम इनज़ाम चलाते थे घर का तो उसके बावजूद भी वो मुझे छोड़ गया किसी और लड़की के और लड़की से शादी करके अच्छा तो उसने दूसरी शादी की और शादी करने से पहले आपने उसे उसने आपको बताया था शादी के बारे में जी नहीं बताया था मुझे तो पता ही उसके दोस्त से लगा कि इसने शादी कर ली मैं पूछती तो, तो मेरे आगे झूठ बोलता था कहता था नहीं मेरी वो बहन है उसको बहन बोलता था और जब पता चला कि इसने शादी की उस वक्त काफ़ी मुझे जो है ना काफ़ी सदमे में मैं चले गई थी दो साल गुजर गए मैं इसी सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ रही देखे नाजरीन इस औरत से उसने मोहब्बत की शादी की फिर उसके बाद इसी को भी धोखा दिया बताया नहीं कि वो दूसरी शादी कर रहा है और ये बेचारी उसके सदमे में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई तो आपको क्या क्या बीमारी है आपने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया इस वक्त आपकी जो मेडिकल हेल्थ है उसकी क्या कंडीशन है वो मैं अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे दो साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ अभी थोड़ी सी बेहतर हुई लेकिन अभी भी मैं नहीं छोड़ सकती अभी भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डिप्रेशर की दवाइयाँ हैं पागलपन की दवाइयाँ वो खाती हूँ मैं ये मेडिसिन कहाँ से लिया आपने किसने रिकमेंड की ये एक डॉक्टर है सर जी डॉक्टर है जनाम में उसकी बहन उधर करती काम वो मेरी अच्छी उससे बनी हुई है तो उसने मुझे ये ला के देती है उधर से कभी कभार मैं खुद भी ले लेती हूँ लेकिन वो दे देती है मुझे उधर से ला के आपकी कोई इलाज भी है उसमें से जी नहीं मेरी उसमें से नहीं है पहले शोहर से एक बेटा अच्छा तो पहले शोहर को क्या हुआ उसने डिवोर्स दी अरेंज मैरिज थी क्या हुआ उसके साथ नहीं वो उस दुनिया में से चले गए वो इस दुनिया में नहीं है अच्छा फोत हो वो शख्स बहुत हो, हो गए जी ठीक तो अभी जो गुज़र बसर है वो कैसा हो रहा है और बेटा आपका क्या कर रहा है किसके पास होता है आपके साथ रहता है वो जी नहीं मेरे साथ पहले हमारे साथ रहता था उसके बाद जब फिर मैं कुकिंग करती थी तो वो मेरे लिए मुश्किल होता था उसकी तो स्कूल की पढ़ाई ज़ाया जाती थी पहले तो इतने साल हम दोनों माँ बेटे ने एक इंसान के पीछे ज़िंदगी तबाह कर दी तो जब मैंने ये सोचा ना कि मैंने जिंदगी में आगे अकेली नहीं जाना है तो फिर मुझे जहाँ नौकरी करती थी वो वहाँ मुझे सैलरी सही से नहीं मिलती थी तो मैंने उससे ये बोला बेटा क्या अगर आप की आप मेरे साथ खुश रहोगे आप हम दोनों मिलके फ़ैसला करेंगे कि आप अगर आप किसी आंटी के पास आप रह लो ताकि मैं किसी और जगह पे जॉब करूँ जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिल सके और हम अपना घर बना सकें माँ बेटा उसने कहा मम्मा ठीक है वर वो जब से पैदा हुआ है मैंने अपने आप अप से जुदा नहीं किया उसको लेकिन आज एक इंसान की वजह से हम एक दूसरे से जुदा हैं और मैं अपने बेटे के लिए एक माँ हूँ ये देखें ये एक माँ है कितनी दुखी है कि वो अपने बेटे को साथ नहीं रख सकती और उसकी वजह यही कि इनके माशी हालात अब ऐसे ही नहीं रहे और ये शादी में भी जब उसके साथ निकाह में भी थी उस वक्त भी बेचारी खुद ही कमाती थी खुद ही घर चला रही थी तो जी खुद ही चलाती थी कभी एक उसने एक रुपया तक नहीं दिया एक था एक उस वक्त भी ये ख़ातून जब निकाह में थी अपना घर खुद ही चला रही थी देखिए नाजरीन इस भरी दुनिया में इस औरत के लिए काम करना कितना मुश्किल है दुनिया में काम करना नहायत ही मुश्किल काम है सर्वाइव करना ये किस तरह लोगों के घरों में बेचारी काम करती है किस तरह 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 के लोगों के पास जाती है काम करती है ये इसके हालात बेचारी यही जानती है तो अब मुझे बताइएगा कि आगे यह रमज़ान चल रहा है इसमें आपके रमजान कैसा चल रहा है अवतार शहर कैसे हो रहे हैं और आपका जो बेटा है उसके लिए आपने कुछ खरीदा है कुछ लिया है कैसी ईद की कुछ तैयारी भी की है आपने जी भैया कुछ नहीं किया है में यह है कि जो बस मुश्किल से गुजारा चलता है यह है कि मैं कुछ भी नहीं लिया ना अपने लिए ना अपने बेटे लिए अभी पैसे नहीं इतने जहाँ भी नौकरी करती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ मसला खड़ा हो जाता तो वो सैलरी भी नहीं देते हैं मुझे बस बड़े मुश्किल हालात है इसलिए यहाँ तक पहुँची बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँची हूँ किसी से नंबर लेकर देखिए नाज़री इनका नंबर हम नीचे लगा देंगे और आपसे इतमाश है कि आप इनकी मदद कीजिएगा इनके रमज़ान अच्छे गुजरें इनके बच्चे की और इनकी ईद भी अच्छी गुजर जाए और कुछ ऐसा कोई इनके लिए असबाव पैदा हो जाए कि इनका बच्चा है जो वो पढ़े आगे माशरे में आगे बढ़े और अपनी माँ का सहारा बनेद इस उम्मीद और इस यकीन के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़